हाय फ्रेंड्स, तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। आज है दशहरा, तो सभी भाइयों को हैप्पी दशहरा। तो अभी जैसा कि अभी अपन काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, थोड़ा सा परिवार में थोड़ा दिक्कत चल रही है, थोड़ी परेशानी चल रही थी, इस वजह से मैं भी कुछ सैड था और इस वजह से मेरे को थोड़ा इधर उधर भागना पड़ रहा था, जिस वजह से मैं फिर नहीं था तो ब्लॉग नहीं बना पाया। और उस चीज़ को मैं दिखाना भी नहीं चाहता ब्लॉग में, उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता, काफ़ी बुरा टाइम था वो। पर अभी भी है, पर अभी सही है, नॉर्मल ही है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस टाइम पर टेंशन थी तो मैं थोड़ा इधर उधर भागा दौड़ी में, तो व्लॉग नहीं बना पाया। तो आज अभी अपन ओम प्रकाश मौसा जी घर पर चलेंगे, यानी कि सोनू भैया घर पर, सोनू भैया के पापा का नाम ओम प्रकाश मौसा जी है, ओम प्रकाश है। तो अभी अपन चलेंगे वहाँ पर काम करने के लिए, तो काम करने के लिए वहाँ पर चलेंगे। वहाँ पर लाइट का आधा सा काम हो भी चुका है, क्योंकि मैं नहीं था तो लेबर मेरी लगी हुई है वहाँ पर साइड में, तो वो काम कर चुकी होगी, थोड़ा बहुत बच रहा होगा। तो अभी अपन चलेंगे वहाँ पर देखने। और आज है दशहरा, तो अलवर में दशहरा मैदान में जलता है दशहरा, यानी कि दशहरा दहन होता है। तो अभी अपन चलेंगे दशहरा मैदान एंड सोनू भाई घर पर, तो अभी मिलते हैं आपसे बाहर। तो भी आपने जैसे कि देखा रास्ते में, यानी कि रावण खड़ा हो चुका है दशहरा मैदान में, और अभी हम पहुंच भी चुके हैं। रास्ते की वीडियो इस वजह से नहीं है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, तो एक हाथ से फ़ोन चलाना और एक हाथ से बाइक तो नहीं हो पाया। पर अभी हम पहुंच चुके हैं सोनू भाई घर पर, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका। ये है सोनू भैया का घर, और आप देख सकते हो लाइट लग चुकी हैं, बोर्ड भी लग चुका है, लग चुका, और ये लाइटें कुछ लग चुकी हैं, बोर्ड भी लग चुके हैं, ये लग गए। यानी कि मैं छुट्टी पे था पर मेरी लेबर पूरा फुल काम करती है, ये लाइट वगैरह पूरा सिस्टम, ये देख सकते हो लाइट ऊपर, एक कंसी लाइट है, होल्डर वगैरह, बेल वगैरह सब कुछ लग चुका है, एकदम कंप्लीट है मकान। और ये सामने बोर्ड बोर्ड सीट वगैरह सब कुछ लग चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म हो चुका है। यानी कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, ये बाकी सब मेरा काम था। लेबर ऊपर लगी होगी, आपको अभी अब मिलाते हैं हम लेबर से। देख सकते हो ये कमरा स्पेशल सोनू भैया का है, और ये फैला हुआ है पूरा, यानी कि बोर्ड वगैरह सब सिस्टम पूरा है। और ये अपने पवन भाई है, और ये पवन भाई के साथ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं लाइट का, ये भाई लगा रहा है ऊपर होल्डर, और ये लगा रहा है नीचे सीट वगैरह। और ये अपने बुआ का लड़का है ही बबली डॉन, और ये लग रहा है सारा मामला है, देख सकते हो पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर लग चुकी है सीट। आप देख सकते हो शाम के बज रहे हैं 4:30, और लाइट वगैरह सब कुछ चालू हो चुकी है पूरा, ये देख सकते हो पूरा सिस्टम चालू हो चुका है, ये चालू हो चुकी है, एमसी बॉक्स लग चुका है अपना, तैयार हो चुकी है, यानी कि लाइट वगैरह बोर्ड वगैरह पूरी लाइटिंग चालू हो चुकी है, ये लो लाइटिंग वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल काम। अरे लाइट अपनी, यानी कि आज अपना इधर काम ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रह रहा है, इसमें कंसील लाइट नहीं है, बल्ब लगेगा, और बाकी इस कमरे में भी लाइट वगैरह पूरे चालू हो चुकी है, तो भी तो लाइट वगैरह चालू हो चुकी है, ऊपर भी चालू हो चुकी है पूरे में, सामान कुछ पड़ा है। हाय फ्रेंड्स, तो भी अपन घर पर आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 9:30, और दशहरा मैदान में अपन नहीं पहुंच पाए, पर भी फिर भी मैंने थोड़ा सा, यानी कि जो रावण अलवर में बना था 75 फुट कुछ ऊंचा था, तो उसकी वीडियो फिर भी मेरे दोस्त लोग गए थे तो अपन ने उसकी वीडियो मंगवा ली थी, तो वो अभी अपन ने जोड़ दी है। और यानी कि अपन को काफ़ी टाइम सोनू भैया के प्लॉट पर हो गया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चालू करने हमारी ही शाम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चालू तो टाइम से हो गई, तो फिर उसके बाद टाइम लगता है उसमें चालू करने में, दिक्कत आती है। तो इस व्लॉग के यहीं पर एंडिंग करते हैं, आप कोई व्लॉग पसंद आएगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो तो संपर्क करें।